ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आप पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि बीजेपी के राज में महिलाएं बिल्कुल भी महफूज नहीं रह गई हैं। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि देहरादून का माहौल और वातावरण दिनों दिन महिलाओं के लिए भयावह होता जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा त्रिवेंद्र राज में राम भरोसे दिख रही है, इसलिए अपराधियों के हौसले हावी होते जा रहे हैं। लगता है कि अपराधियों को पुलिस और कानून का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। देहरादून में दिव्यांग युवती से डरा धमकाकर महीनों तक अपराधी दुष्कर्म करता रहा और अपराधी युवती और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देकर बेखौफ अपराध को अंजाम देते रहे। आप उपाध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राजधानी में अपराधी बेखौफ होकर कुकृत्यों को अंजाम देंगे तो उत्तराखंड के अन्य जिलों में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा, मित्र पुलिस का खौफ अपराधियों में दिख नहीं रहा, तभी तो महीनों से लाचार माँ और उसकी दिव्यांग बेटी इनके जुल्म का शिकार बनते रहे। अगर महिला की दिल्ली में प्रवास कर रही बेटी पुलिस को ईमेल नहीं भेजती तो शायद अपराधी पकड़ में नहीं आते और बेखौफ होकर वो इस घटिया हरकत को आगे भी करते। आप उपाध्यक्ष ने कहा, किराएदारों का सत्यापन की बात मित्र पुलिस करती रहती है, लेकिन आज भी 100% सत्यापन कहीं नहीं है, इसलिए ऐसे लोग पुलिस की कमजोरी को ढाल बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं। आप पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और पुलिस के नए डीजीपी और सरकार से ये मांग करती है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बने, ताकि प्रदेश में हमारी माँ बहनें और बेटियाँ महफूज रह सकें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब मातृशक्ति खुद सड़कों पर उतरकर इस सरकार और बिगड़ी कानून व्यवस्था से अपने लिए न्याय मांगेगी। श्रमिक मंत्री स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीए, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश, बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।